हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जाबी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैं टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव और एनहांस कर सकते हैं। और ये टास्क आपको सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मिल जाता है। आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, यहाँ पर एवरी संडे सुबह 10 बजे अगर आप लोग आईएएस का पेपर जो 2023 में आ रहा है, पीटी का प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज विजन, टेस्ट सीरीज जो आ गई है 2023 के लिए, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे सॉल्व कराई जाएगी। आप लोग लाइव क्लास अगर ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को काफी प्रॉफिट मिलने वाला है और आप लोगों ने काफी सारा उसको प्यार भी अभी दिया है। और आप लोग इसी तरह से डेली मतलब रविवार को आइएगा, आप लोगों को क्लास होती है। और इसके अलावा भी आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती हैं, आप लोग जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आकर के पूछ सकते हैं। चलिए आज का हम टास्क देख लेते हैं। तो आज आपकी तैयारी का 33वां दिन देखने को मिलेगा और आपको आज डेट है वो 13 अगस्त देखने को मिलेगी। तो आज आपको क्या पढ़ना है, तो आज आपको यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, जिसका नाम है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, आपको देखने को मिलेगी। इसका सेक्शन 2 पढ़ना है। देखिए कल यानी कि इकाई या सेक्शन 1 है वो कल आपके लिए पढ़ने के लिए दिया गया था, आज आपको उसके आगे वाला पढ़ना है। सिर्फ एक ही सेक्शन आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और इसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, मतलब 3 अध्याय देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए आपको एक लेसन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों को सिर्फ अच्छे से रीड करना है, आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे आप लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, उसी तरह से ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, जैसे आपके दिमाग में कोई स्टोरी चल रही हो। ओके, हम आपको कई बार बता चुके हैं हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, तो आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट होगी हिस्ट्री की, हम उसके नोट्स बनाने के लिए आपको बोलेंगे, उसी के आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं। ओके, इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर रिविजन भी करना है। तो रिविजन किस किस का करना है, तो जो टास्क नंबर 2 आपको दिया गया था उस टास्क नंबर 2 का आधा रिविजन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से टास्क नंबर लिखा होता है, ओके, हैशटैग करके हम इसी तरह से लिखते हैं, तो इसीलिए आप लोग नोट करिए, कर लिया करिए कि आज आपको क्या टास्क दिया गया, क्योंकि रिवीजन हम इसी तरह से आप लोगों को दिया करेंगे। तो टास्क नंबर 2 में क्या दिए थे, टास्क नंबर 2 में हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th आपको पढ़ने के लिए दिए थे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आपको कुछ मैपिंग लोकेशन भी पढ़ने के लिए दिए थे, तो आप लोगों के लिए वो ज्योग्राफी जो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आधी आप लोगों को रिवाइज कर लेनी, आधी कल रिवाइज करने के लिए आपको देंगे। ओके, इसके अलावा आपको जो भी आज का न्यूज़पेपर है, इंग्लिश का पढ़ते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी का पढ़ते हैं हिंदी में, तो उसमें एक एटलीस्ट एक एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ना है, उसके भी नोट्स आप लोगों को नहीं बनाने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के मैपिंग टास्क में आज आपको क्या कवर करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो एशिया की फिजिकल लोकेशन है उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं, तो आज हम लोग माउंटेन रेंजेस के बारे में देखने वाले हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर यूराल माउंटेन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको यूराल माउंटेन देखने को मिलेगा, जो एशिया और यूरोप को विभाजित करता है, यानी कि एक प्राकृतिक सीमा बनाता है जिसके माध्यम से यूरोप और एशिया है वो डिवाइड हो जाते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दें यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए ये आपको पहली लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, यूराल माउंटेन आपको देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर है। अब आपको सारी लोकेशन कैसे मिलेंगी, तो देखिए आप इधर से ऐसे घूमते हुए जाएंगे, टहलते हुए जाएंगे, जैसे आप गलियों में घूमते हैं। अब देखिए किसके लिए आप गलियों में घूमते हो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको मैप पर कैसे घूमना है, ऐसे घूमते हुए जैसे आप लोग अपनी गलियों में घूमते हैं उसी तरह से आपको घूमना है, जिससे आप लोग कभी भी एटलस भूलेंगे भी नहीं और क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग आंसर भी कर देंगे। तो देखिए ऐसे आपको जाना है, इधर से इस तरह से घूमते हुए जाना है, ओके, और इधर घूमते हुए आगे आएंगे, फिर इधर देखिए इस तरह से आपको घूमते हुए आगे निकल जाना है, तो यहाँ तक आपको इस तरह से घूमना है थोड़ा सा, तो आपको सारी की सारी लोकेशन आपको मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इन सभी लोकेशन के बारे में। तो पहली देखिए आपको यहाँ पे यूराल माउंटेन देखने को मिलेगी, दूसरी आपको यहाँ पर बारकोयांस रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो बारकोयांस रेंज, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस तरह से बारकोयांस रेंज आपको देखने को मिलेगी, दूसरी लोकेशन है। ओके, तो ये देखिए दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन है वो आपको यहाँ पर चुकोस्की माउंटेन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर चुकोस्की सी के बारे में भी हम आपको पढ़ाए थे ना, तो वहां पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा आप लोग आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पर
जो सिरिडेनियो रेंज है वो आपको इधर देखने को मिलेगी। ओके, जो ओकोटस सी आपको पढ़ाए थे ना, तो उधर ही आप लोग देखेंगे, वो एक प्रायद्वीप टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर ही आपको ये देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ, अगर मुझसे छुप जा रही हो, तो ये है आपको जो सिरिडेनियो रेंज आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा आप लोग लौट के आएंगे भाई, ऐसे उड़ते हुए थोड़ी ना आ जाएंगे, लौट के आएंगे तो आप, जैसे ही लौट के आएंगे तो आपको कोयमा रेंज ये रास्ते में आपको मिलेगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखिए, कोयमा के बाद आपको यहाँ पर जुगजुगी रेंज देखने को मिलेगा। हिंदी में इसको जुगजुगी रेंज बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, इस वाले रेंज की मतलब इस वाले क्षेत्र की जितनी भी नाम होते हैं, लोकेशन होती हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे। तो देखिए, ये जुगजुगी माउंटेन है, ये माउंटेन रेंज है, ये नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं। ओके, तो देखिए ये ओखोटस सी आपको पढ़ाए थे ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, लेकिन इसमें नहीं बना हुआ था तो हमने यहाँ पर बना दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। अब देखिए आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखिए आपको यहाँ तक जुगजुगी रेंज तक आपको पढ़ा दिए, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सिकुट की एलन रेंज देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगी, जहाँ पर सखालिन द्वीप आप लोगों को पढ़ाए थे, तो सखालिन द्वीप के पास में आप लोग खोजिएगा तो आपको एकदम मिल जाएगा, एकदम परेशान नहीं होना है। ओके, यहाँ पर सिकोट की एलिन रेंज के बाद में आपको स्टोन वॉय रेंज देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोग इस तरह से आगे जाएंगे घूमते हुए टहलते हुए, तो आपको देखिए यहाँ पर स्टोन वॉय रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर येब्लोन वॉय रेंज देखने को मिल जाएगी। तो वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसमें नहीं बनी हुई, हम अलग से बना देते हैं। जो बैकाल लेक है ना, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए सायन माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, तो सायन माउंटेन रेंज कौन सी है, ये वाली आपको सायन माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे आप जाएंगे, फिर आपको देखिए यहाँ पर ये एटलस आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। ओके ओके, यहाँ पर ये एटलस नहीं, सॉरी, एटलाई माउंटेन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ओके, और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर आपको तीन शान आपको देखने को मिलेगा। ओके, तीन शान कहाँ पर है, थोड़ा सा देखिए इस तरह से आप लोग नीचे आएंगे तो देखिए ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये तीन शान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, और थोड़ा सा आप लोग आगे जाएंगे तो देखिए आपको ग्रेट यहाँ पर किंग गैन आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो ग्रेट किंग गैन कहाँ पर है, इधर हम आपको देखिए गोबी माउंटेन पढ़ाए थे ना, गोबी माउंटेन नहीं, गोबी डिजर्ट आपको पढ़ाए थे ना, और इधर मंगोलिया का प्लेट्यू हम पढ़ाए थे, और इधर मंचूरियन मैदान पढ़ाए थे, इसी के बीच में घिरा हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें बना हुआ नहीं, हम बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ग्रेट खिंगैन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए फ्यूजीशान, फ्यूजीशान कहाँ है, इस जापान में आपको देखने को मिलेगा। जो होन्सू है, जो सबसे बड़ा आपको जापान का द्वीप देखने को मिलेगा होन्सू, उसी होन्सू पर आपको ये फ्यूजीशान देखने को मिलेगा। तो सारी लोकेशन आप लोग के लिए बता दी है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है नाम, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो आप लोग अच्छे से लेने लगेंगे नाम के, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आप लोगों के लिए तीन बैचेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए हैं, एक यूपी पीसीएस और एक बिहार पीसीएस, और साथ में एक यूपीएससी का बैच लॉन्च किया है। इनकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, 3 बजे आप लोगों का पीसीएस का क्लास चलता है और 6 बजे आप लोगों का यहाँ पर आईएएस का क्लास चलता है। लेकिन अभी 4-5 दिन सिर्फ आप लोगों की इकोनॉमिक्स ही दोनों टाइम आपकी चलने वाली है, जैसा कि आप लोग के लिए इन्फॉर्म किया गया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स फिनिश होने वाला है। ओके, इस वजह से। ओके, इसके अलावा देखिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जाकर के तो वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल पर विजिट करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वाली वीडियो में हमने जानकारी दी है किस तरह से आप क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर सारी प्रीमियम क्लासेस आप लोगों के लिए प्रदान की जाती है। ओके, चलिए इस क्लास को यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखा